अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बारिशें फिर से तबाही मचाने लगीं। मूसा खेल में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में बारिश के बायस मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान में डाकिया नदी में कई अफराद बह गए, 2 अफरादों की लाशें निकाल ली गईं। कला सैफुल्ला, रोला रई, बार खान, कोहलू, मूसा खेल में सैलाबी सूरत हाल। उधर दूसरी जानब सुबह बलूचिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान का सर्वे आज से शुरू होगा। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बारिश से फिर तबाही होने लगी। मूसा खेल में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में बारिश के बायस मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान में डाकिया नदी में कई अफराद बह गए, 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कला सैफुल्ला, रई, बार खान, कोहलू, मूसा खेल सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हैं। उधर दूसरी जानब सुबह बलूचिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान का सर्वे आज से शुरू होगा। भारत की जानब से दरियाए रावी में सैलाबी रेला छोड़ दिया गया। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानब से छोड़ा गया सैलाबी रेला आज पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी में जिसर के मकाम पर आज रात पानी का बहाव 70,000 से 1,00,000 क्यूसिक होगा। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन ने दरियाए रावी में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया है। सैलाब के खदशे के पेश नज़र PDMA ने मुतलका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल से नारोवाल, लाहौर, शेखपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, साहिवाल, टोबा टेक्सिंग, खानेवाल और झंग के इलाके मुतासर होने का इम्कान है। आपको बताएं कि भारत एक बार फिर आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। भारत की जानिब से दरियाए रावी में सैलाबी रेला छोड़ दिया गया। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला आज रात पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी में जसर के मकाम पर आज रात पानी का बहाव 70,000 से 1,00,000 क्यूसिक होगा। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन ने दरियाए रावी में दरमियाने से ऊँचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया है। सैलाब के खदशे के पेश नज़र PDMA ने मुतलका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल से नारोवाल, लाहौर, शेखपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, साहिवाल, टोबा टेक्सिंग, खानेवाल और जहंग के इलाके मुतासर होने का इम्कान है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि कराची, लाहौर, शेखपुरा, कसूर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जोहर टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप में बादल खुलकर बरसे। मुस्तफ़ा टाउन, इकबाल टाउन, रायवन रोड समेत दीगर इलाकों में भी अब्र रहमत बरसा। उधर दूसरी जानब कराची में बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब समेत मुल्क के कई इलाकों में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी है। आपको मौसम के हवाले से अपडेट करें कि कराची, लाहौर, शेखपुरा, कसूर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जोहर टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप में बादल खुलकर बरसे। मुस्तफ़ा टाउन, इकबाल टाउन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर ख़ानदानों को 3 दिन के अंदर 50,000 रुपये फ़ी ख़ानदान इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में तमाम मुतासर घरानों को 30 के बजाय 50,000 रुपये फौरी तौर पर फराहम किए जाएँ। मुतासर ख़ानदानों को 50,000 नकद NDMA की ज़ेर सरपरस्ती बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरीन को इमदाद की फराहमी के तरीक़ाकार को शफाफ रखा जाए, कैश इमदाद की फराहमी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के जरिए बनाया जाए
और यकीनी बनाया जाए कि हकदार को उसका हक मिले। 50,000 कैश की तकसीम का लाहे अमल फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी आज शाम तक तय करके रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब के नुकसानात के तखमीने के लिए सूबों के साथ मुश्तरका सर्वे को 5 के बजाय 3 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए। सूबाई हुकूमतें सैलाब मुतासरीन की बरवक्त इमदाद के लिए NDMA से जल्द अज जल्द मुश्तरका सर्वे से मुतालिक तआवुन और तारीखों के हवाले से राबता यकीनी बनाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अजलास तलब कर लिया। अजलास कल सुबह 10:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए से बताया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर और वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ की जानिब से तलब किए जाने वाले वफाकी काबीना का 7 नकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना अजलास में अहम सियासी और माशी फैसले किए जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात और दो ममालिक के दौरों पर भी मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब हुकूमत और PTI फॉरेन फंडिंग पर तहकीकात पर भी बातचीत होगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना के तलब करदा इजलास में इमरान दौर में बरतानिया से आने वाली रकम बहरिया टाउन को देने के मामले पर भी बात होगी। रकम बहरिया टाउन को देने पर जेल में जो सलूक किया जाता था महकमा जेल खाना जात पंजाब हुकूमत की वजारत दाखिला का एक मतहत महकमा है और कंट्रोल उसको वजीर आजम हाउस में बैठा इमरान नियाजी करता था और शहजाद अकबर साहब करते थे और उनकी मैनेजमेंट क्या थी, ये फिक्र नहीं थी कि मईशत डूब रही है, मुल्क को नुकसान हो रहा है। वो मॉनिटर करते थे कि फ्लांक का पंखा तो नहीं चल रहा, फ्लांक को सर्दियों में हीटर तो नहीं मिल गया, फ्लांक को कंबल तो नहीं दे दिया, फ्लांक को क्या जमीन पर सुलाया है कि नहीं सुलाया, बख्तरबंद गाड़ियों में बंद करके लाया जाता था। तो देखें इतना रोना धोना ना करें, कोई क्यामत नहीं आ गई। एक शख्स ने एक मुल्क मुखालिफ बात की है, मुल्क दुश्मन बयानिए पर बात की है और वो एक प्रोसेस के मुताबिक उसकी कार्रवाई चल रही है। 2 दिन का रिमांड था। गजब खुदा का कि आप लोग बगावत पे उतर आए हैं। तो ये बड़ा बड़ा कुछ बर्दाश्त किया गया है इस मुल्क के अंदर। हमने जेलें भी काटी हैं, हमने मुश्किलें भी बर्दाश्त की हैं, मगर इस तरह से कभी रोना धोना नहीं किया जिस तरीके से आप आकर बिल्कुल ही जब इंसान की बस हो जाए कि जी हमारे हाथ खड़े हैं तो कोई नहीं, बात की है तो थोड़ा बर्दाश्त करना भी सीखें। और मैं ये समझता हूं कि यह नाइंसाफी होगी अगर जिस्मानी रिमांड में तौसी नहीं की जाती, क्योंकि देखिए कानून के कुछ असूल हैं जिसके तहत बरामदगी है, इन्वेस्टिगेशन है। यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है। इजलास कल सुबह 10:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। ज़राए से बताया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की जानिब से तलब किए जाने वाले वफाकी काबीना के इजलास का 7 नकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना इजलास में अहम सियासी और माशी फैसले किए जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात और दोस्त ममालिक के दौरों पर भी मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब हुकूमत और PTI फॉरेन फंडिंग तहकीकात पर भी बातचीत होगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना के तलब करदा इजलास में इमरान खान दौर में बरतानिया से आने वाली रकम बहरिया टाउन को देने के मामले पर बात होगी। रकम बहरिया टाउन को देने की तहकीकात पर काबीना कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अजलास हुआ। फवाद चौधरी, बाबर आवान, शीरी मजारी, जुल्फी बुखारी
अली अमीन गंडापुर गुलाम सरवर सैफुल्ला नियाजी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई और अवामी मुहिम जलसों के शेड्यूल समेत दीगर अहम अमूर पर गौर किया गया। इजलास के दौरान फैसला किया गया कि 19 अगस्त को कराची में बड़े जलसे का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में ये भी फैसला किया गया कि जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा और इसके लिए मुख्तलिफ शहरों में जलसों की मंजूरी दी गई है। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते के दौरान रावलपिंडी, कराची, पिशावर समेत बड़े शहरों में जलसे होंगे, जबकि इमरान खान अपनी 9 नशिस्तों पर इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान फैसला किया गया कि 25 मई के किरदारों और पुलिस अफसरान के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मुख्तलिफ फॉरम्स पर रजू किया जाएगा। कानूनी टीम तमाम केसेस का अंदराज 7 रोज में यकीनी बनाएगी। वाकया में शामिल किरदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारा ने कहा कि शहबाज़ गिल की गिरफ्तारी से कोई क़यामत नहीं आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान बनाने वालों को गद्दार करार दे दिया गया। मोहतरमा फातमा जिनाह को गद्दार कहा गया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को गोली लगी, जिसका आज तक पता नहीं चल सका। गैर मुल्की कंपनियों ने इमरान खान को फंडिंग क्यों की? पाकिस्तान के अंधेरे दूर करने वालों को हाई जैकर बना दिया गया। इमरान खान अकेला मुलजिम नहीं, साकिब निसार भी मरकजी मुलजिम हैं। तो उसकी वजह आप देखें कि कायदे मिल्लत लियाकत अली खान को गोली लगी, आज तक कुछ मालूम नहीं। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के इक्तदार पर काबज हुए और मादरे मिल्लत फातमा जना को करप्ट गद्दार और उनका इलेक्शन चुरा के खुद मुंतखब हो गए, मगर किसी ने उसको गद्दार नहीं कहा। पाकिस्तान बनाने वाले गद्दार ठहरे और उस वक्त भी एक तबका अयूब खान को सच्चा जानता था। और फिर जस्टिस मुनीर, मोहम्मद मुनीर, अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे जनरल अयूब ने बुलाया कि पाकिस्तान के साथ रहना है तो रहें, नहीं तो चले जाएं। और वो कहता है कि मैंने इसी तरह जाके उस वक्त की बंगाली साबिक वज़ीर दाखला शेख रशीद का कहना है कि कौम को समझ है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ मिसाक मईशत के बजाय मिसाक जमहूरियत करें, शिफाफ इलेक्शन की तारीख तय करें और कौम पर फैसला छोड़ दें। 140 मिलियन बाशऊर नौजवानों की जेब में मोबाइल फ़ोन है, 10 करोड़ लोग गुरबत के शिकंजे में आ गए हैं। सियासी तसादम बढ़ गया तो सियासतदान भी निशाने पर होंगे। इलेक्शन में ताखीर जमहूरियत की मौत होगी। कौम को समझ है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। बुज़िल नवाज शरीफ आए ना आए, अहल हो या ना अहल, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी सऊदी अरब की बीमारी और लंदन की बीमारी सियासी रियाकारी है। मईशत को तबाह करने वाले सियासतदानों के असली चेहरे अवाम में बेनकाब हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है कि तमाम मसाइल का हल एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग में है, अब तमाम इदारे पार्लिमान को बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मजीद कहा कि 75 साल में हमने एक दूसरे में बहुत कीड़े निकाले, हम बहसियत कौम कोई कौमी मकासद सामने रख कर एक नहीं हुए। उनका कहना था कि तमाम मसाइल का हल एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग में है, अब तमाम इदारों पार्लिमान सबको मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना होगा। नफरत बाहर निकाल कर फेंकें, अब एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने PTI के इस्तीफों पर बात करते हुए कहा कि स्पीकर के लिए इस्तीफे मंजूर करना सबसे नापसंदीदा है। इस्तीफे मंजूर करने के लिए रूल्स बहुत सख्त हैं। तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा असम्बली वापस आना चाहते हैं। उनका कहना है कि PTI के इस्तीफों में 50% लोगों के दस्तखत नहीं मिल रहे। 5-6 मेंबरान ने इस्तीफे दिए ही नहीं थे, कम से कम 12 से 14 मेंबरान कह चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। 4 से 5 मेंबरान ने छुट्टी की दरख्वास्त भेज दी है।
दो से तीन मेंबरान ने लिखकर भेज दिया है कि उनके दस्तखत किसी ने जाली कर दिए हैं। हमें अपने रवैये बदलने की ज़रूरत है। जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखा जाना चाहिए। जो असम्बली में आना चाहता है वो ग्रास रूट को समझता है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल की जमानत पर दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर 11 बजे कल दलाइल तलब कर लिए गए हैं। एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी ने फरीकान को दलाइल देने की हिदायत जारी कर दी हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल के जस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून और तफ्तीशी ऑफिसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने दलाइल में कहा कि शहबाज गिल ने टीवी चैनल पर बयान दिया। शहबाज गिल के बयान का हुकूमत ने संजीदा नोटिस लिया और मुकदमा दर्ज किया। शहबाज गिल के बयान में इदारों को टारगेट किया गया। अदालत ने कहा कि हकीकत यह है कि आपकी एक नज़रसानी अपील खारिज हुई, दूसरा फिजिकल रिमांड ख़त्म हुआ। आप कह रहे हैं कि मुलजिम का मजीद फिजिकल रिमांड ज़रूरी है, आपने मजीद फिजिकल रिमांड में क्या करना है? अदालत ने शहबाज गिल के रिमांड के लिए एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर शहबाज गिल को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज गिल से पहले भी तशद्दुद किया गया, अब हुकूमत इन पर दोबारा तशद्दुद करना चाहती है। पूरी पार्टी शहबाज गिल के साथ खड़ी है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज गिल ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो कमज़ोर हैं इसलिए पकड़े गए। आप सिर्फ तशद्दुद करने के लिए शहबाज गिल का रिमांड चाहते हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि पूरी पार्टी शहबाज गिल के साथ है, ये मामला जल्द हल होना चाहिए, तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत 25 मई के वाक़े पर महज़ब तरीके से आगे बढ़ रही है। फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज गिल के वालिदैन पाकिस्तान में नहीं हैं, ये केस कमज़ोर है, इसमें हुकूमत के वकील दलाल देने को तैयार ही नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि निजी टीवी पर शहबाज गिल ने जो कहा वो भी सामने है। 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सिग्नल नहीं थे, इसलिए शहबाज गिल ने लैंडलाइन से कॉल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाना राणा सनाउल्लाह की पॉलिसी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कास्ट लिस्ट जारी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने और ममनुआ फंडिंग केस में शू काज नोटिस भी कारदम करार देने की इस्तदा की है। इसके अलावा PTI ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला भी कारदम करार देने की इस्तदा की है। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी अताउल्लाह तारड़ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है और पुलिस को अता तारड़ की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत आलिया के कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक ने अताउल्लाह तारड़ की दरख्वास्त की समाअत के लिए आज ही मुकर्रर की थी और आज ही केस की समाअत करते हुए जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से अता तारड़ की 14 रोज़ के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की गई है। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। अताउल्लाह तारड़ ने थाना किला गुजर सिंह में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। पंजाब पुलिस ने लाहौर में अताउल्लाह तारड़ की गिरफ्तारी के लिए
छापा मारा था, जिस पर उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रजू किया था। अदालत में दायर की गई दरख्वास्त में अताउल्लाह तारा ने मौकिफ़ अख्तियार किया कि मेरे खिलाफ 25 मई को पीटीआई कारकुनान पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। दरख्वास्त में अताउल्लाह तारा ने इस्तदआ की कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए रिहायशगाह पर छापा मारा है, लिहाजा मेरी हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म के मावन खसूसी अताउल्लाह तारड़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है और अताउल्लाह तारड़ की गिरफ्तारी से पुलिस को रोक दिया गया। अदालत आलिया के कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक ने अताउल्लाह तारड़ की दरख्वास्त पर समाअत के लिए आज ही मुकर्रर की थी और आज ही केस की समाअत करते हुए ज़मानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से अता तारड़ की 14 रोज़ के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई। इससे खबर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। अताउल्लाह तारड़ ने कला गुजर सिंह में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। पंजाब पुलिस ने लाहौर में अताउल्लाह तारड़ की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था, जिस पर उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रजू किया था। अदालत ने दायर की गई दरख्वास्त में अताउल्लाह तारड़ ने मौकिफ अख्तियार किया कि मेरे खिलाफ 25 मई को पीटीआई कारकुनान पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। दरख्वास्त में अताउल्लाह तारड़ ने इस्तदआ की कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए रिहायशगाह पर छापा मारा, लिहाजा मेरी हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का नू लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ के नाम पैगाम में कहना है कि अता तारड़ साहब, आपने जलालपुर भटिया में तशरीफ़ लाना थी, आप नहीं आए। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर कहते हैं कि अताउल्लाह तारड़ साहब, आपका काफ़ी इंतज़ाम किया हुआ है, इरादा कर लिया है, आपको काफ़ी पिला कर रहूँगा। जलालपुर भटिया में नून लीग के जलसे से खिताब में अता तारड़ ने खिताब करना था, जलसे से खिताब के लिए अता तारड़ वहाँ पर ना पहुँचे। बुलेटिन में अब कुछ बात करें डॉलर की। इंटरबैंक में आज भी डॉलर मज़ीद सस्ता और रुपया मज़ीद मुस्तहकम हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में 2.49 रुपये का इजाफा हुआ। आज कारोबार के आगाज़ पर अमेरिकी डॉलर के सामने रुपये की कदर में बेहतरी देखने में आई है और डॉलर की कीमत में तनाजली का सिलसिला जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर 2.49 रुपये सस्ता होने के बाद 213 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। जुम्मा को डॉलर 215.49 रुपये पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी आई है। 100 इंडेक्स में 487 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स में 43,318 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बुलेटिन में अब कुछ बात करें कोरोना की। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। मजीद 459 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता एक रोज़ में 18,045 टेस्ट किए गए। 459 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 5.54% तक पहुँच गई। मुल्क भर के अस्पतालों में 172 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मस्बत केसेस की सबसे ज़्यादा शरह इस्लामाबाद में 7.71% रिकॉर्ड की गई। बहावलपुर में 6.99% और मीरपुर में 5.98% रही। लाहौर में 5.83% और पेशावर में 5.74% शरह रिकॉर्ड की गई। लकी मरवत डिप्टी कमिश्नर फजल अकबर ने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं शरीफुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लकी मरवत फजल अकबर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफिसर डॉक्टर अब्दुगल वजीर ने इंसदादी पोलियो की कौमी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इंसदादी पोलियो मुहिम में तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को इंसदादी पोलियो के कतरे पिलाएगी। डिप्टी कमिश्नर फजल अकबर और DHO डॉक्टर अब्दुगल वजीर ने इस मौके पर तमाम वालदेन से अपील की कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाए और मनगढ़ंत अफवाहों और झूठी खबरों पर यकीन ना करें ताकि ज़िले लकी मरवत में पोलियो वायरस का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले लकी मरवत के तमाम उलमा से दरख्वास्त करते हुए कहा
कि मस्कुरा इंसेदादी पोलियो मुहिम ज़िली इंतज़ामिया का साथ दे ताकि पोलियो फ्री लकी मरवत के ख्वाब की तकमील मुमकिन बनाई जा सके। ज़िला लकी मरवत को पोलियो फ्री बनाने के लिए लोगों में शऊर पैदा करने और पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वाक़ अहतमाम भी किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लकी मरवत डॉक्टर अब्दुगल वज़ीर ने कहा है कि इंसेदाद पोलियो मुहिम में तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे जिसके लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। उन्होंने तमाम वालदेन से अपील की कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाए और मनगढ़ंत अफवाहों और ख़बरों पर यकीन ना करे ताकि ज़िले लकी मरवत में पोलियो का खात्मा हो सके। जश्न आज़ादी की मुनासबत से फाउंटेन हाउस में रोटरी क्लब ऑफ पर्ल की जानिब से ट्रांसजेंडर्स के साथ जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़द की गई जिसके मेहमान खसूसी MS फाउंटेन हाउस डॉक्टर सईद इमरान मुर्तज़ा थे जबकि दीगर मेहमानों में रोटरी क्लब ऑफ रोटरी के सदर साजिदा मलिक रईसुर रहमान राव और महमूद नसरीन सदर रोटरी क्लब ऑफ लाहौर शरीक थी। तकरीब में ट्रांसजेंडर और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से मेहमान खसूसी और दीगर मेहमानों का खिताब करते हुए क्या कहना था आइए सुनते हैं। तो फाउंटेन हाउस क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी फाउंटेन हाउस, क्योंकि ये एक ऐसा गुलदस्ता है कि जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं नफ्सियात का, और यहाँ पे लोग पूरे पाकिस्तान से लोग जॉब करते हैं और पूरे पाकिस्तान के लोगों की मदद से ये फाउंटेन हाउस जो है चल रहा है। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल और ये हमारे चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब की विजन के हिसाब से ये तेज़ी से बढ़ने वाला अस्पताल के इस वक्त इसकी 3 ब्रांचें हैं और अभी लाइन में जो हैं वो 3 ब्रांचें हैं। मतलब ये है कि 3 ब्रांचें जो हैं वो काम कर रही हैं और 3 ब्रांचें जो हैं वो बन रही हैं। तो इनिशियली तौर पे पंजाब में के हर डिविजनल हेडक्वार्टर में एक फाउंटेन हाउस और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में फाउंटेन हाउस की ज़रूरत है। जिस तरह से नफसियाती अमराज तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया में और तकरीबन कोई 25% लोग किसी न किसी तरीके से नफसियाती अमराज के अंदर उनको तो तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, तो फाउंटेन हाउस जैसे इदारों की सख्त ज़रूरत है। तो हमारे चेयरमैन साहब का जो हुक्म है वो ये कहता है कि हमने इन मरीज़ों को जो जिनके घर वाले उनको छोड़ गए हैं और जिनके घर वाले उनको लेने नहीं आते या जो एडमिट हैं उनके साथ वैसा रवैया अख्तियार करना है कि जैसे वो घरों में करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी इदारे हैं पाकिस्तान में और ऐसे भी लोग हैं जो हमें दिल जान से चाहते हैं और हमारे साथ मोहब्बत और चाहत का पैगाम देना चाहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसी तरह करें कि ख्वाजा सरा कोई आसमान से टपके नहीं, ज़मीन से उगे नहीं, तो ताकि दूसरे लोग जो हमें देख के नफरत करते हैं, जो वाजे कसते हैं, तो प्लीज़ कुछ ख्याल करें। आज जितना अच्छा हमने मतलब दिन सेलिब्रेट किया है और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा केक आटा आप सब ने देखा और जितना मीठा केक था उतनी प्यारी 14 अगस्त भी मीठी थी। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है कि मैं आज इस काबिल हूँ कि यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने एक नया दिन मुझे देखने को दिया है और शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अमजद साकिब साहब का जिनकी सरबराही सरप्रस्ती में ये फाउंटेन हाउस चल रहा है और डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा छोटे भाइयों की तरह बिल्कुल इतनी खूबसूरती से पिछले 20 सालों से इसको चला रहे हैं। और यहाँ पे जो ख्वाजा सिरा का खसूसन प्रोग्राम है वो उनको एम्पावर करने की एक ज़िंदा मिसाल है। मैं सब दोस्तों से जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने वक्त की भी हमारे ज़कात होती है, आप अपने वक्त में से कभी भी वक्त निकालिए, कभी भी आपके पास को टाइम। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की तरफ से यौम आज़ादी की तकरीब पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर अजीम शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में मजबूत वसीला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के काम को सराहा गया। सदर जमात इस्लामी आफ्ताब गुलजार और एडवोकेट मोहम्मद फरियाल ने सियालकोट की इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड दिया। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की तरफ से यौम आज़ादी की तकरीब पाकिस्तान के 75वीं सालगिरह के मौके पर अजीम शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में मजबूत वसीला वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के काम को सराहा गया। सदर जमात इस्लामी आफ्ताब गुलजार और एडवोकेट मोहम्मद फरियाल ने सियालकोट की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड दिया। LWMC में मेरठ के खिलाफ भर्तियाँ जारी हैं।
डिप्टी सीईओ मुनीर हुसैन चोपड़ा ने मेरठ के निज़ाम को हवा में उड़ा दिया। जोन नंबर 17 में 4 ZO तैनात कर दिए गए। सीईओ LWMC राफिया हैदर ने मेरठ की धज्जियां बखेर दी हैं। आपको अपडेट करें कि LWMC में मेरठ के खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, मेरठ के खिलाफ भर्तियां भी की जा रही हैं। डिप्टी सीईओ मुनीर हुसैन चोपड़ा ने मेरठ के निज़ाम को हवा में उड़ा दिया। जोन नंबर 17 में 4 ZO तैनात कर दिए। सीईओ LWMC राफिया हैदर ने मेरठ की धज्जियां बखेर दी हैं। आपको बताएं कि LWMC में मेरठ के खिलाफ भर्तियां जारी हैं। डिप्टी सीईओ मुनीर हुसैन चोपड़ा ने मेरठ के निज़ाम को हवा में उड़ा दिया। जोन नंबर 17 में 4 ZO तैनात कर दिए गए। सीईओ LWMC राफिया हैदर ने मेरठ की धज्जियां बखेर दी। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वहाँ की और ये क्यों मेरठ की खिलाफ वर्जी की जा रही है? जी, ये अजीज भट्टी टाउन में पहले नून लीग का और अब एक अहम सियासी जमात का जादू जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। LWMC की CEO राफिद PTA की हाँ में हाँ मिलाने लगी है। डिप्टी CEO मुनीर हुसैन ने दो अनोखे कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं, जिसमें एक सेंट्री वर्कर को सियासी सिफारिश पर ZO तैनात कर दिया है और जोन नंबर 17 में 4 ZO तैनात कर दिए हैं। वाजह रहे कि सेंट्री वर्कर मुबैना तौर पर पैसे देकर ZO के ऑर्डर करवा रहे हैं। CEO LWMC मैडम राफिया हैदर PTA टिकट होल्डर और PTA उम्मीदवारों के अहकाम पर काम कर रही हैं, मेरिट को नजरअंदाज कर रही हैं। इस करप्शन में बाजी नून लीग लेगी या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इसका फैसला आना अभी बाकी है, मगर PTA का पलड़ा जो है वो फिलहाल भारी है। जी कामरान अली, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक की टीम का महकमा आबपाशी पंजाब का दौरा। आबपाशी निज़ाम की बेहतरी के लिए मुजावजा मनसूबे के खदोखाल पर बाहमी गुफ्तगु की गई। मुजावजा मनसूबे के तहत पंजाब में मुंतखब नहरों की बेहतरी और जेर ज़मीन पानों के मौसर इस्तेमाल पर काम किया जाएगा। आपको अपडेट करें कि वर्ल्ड बैंक की टीम का महकमा आबपाशी पंजाब का दौरा। आबपाशी निज़ाम की बेहतरी के लिए मुजावजा मनसूबे के खदोखाल पर बाहमी गुफ्तगु की गई। मुजावजा मनसूबे के तहत पंजाब में मुंतखब नहरों की बेहतरी और ज़ेर ज़मीन पानी के मौसर इस्तेमाल पर काम किया जाएगा। आपको अपडेट करें कि वर्ल्ड बैंक की टीम की जानिब से महकमे आबपाशी पंजाब का दौरा किया गया। आबपाशी निज़ाम की बेहतरी के लिए मुजावजा मनसूबे के खदोखाल पर बाहमी गुफ्तगु की गई। मुजावजा मनसूबे के तहत पंजाब में नहरों की बेहतरी और ज़ेर ज़मीन पानी के मौसर इस्तेमाल पर काम किया जाएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हाफिज़ उस्मान लाइन पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी उस्मान, बताइएगा कि इसके दौरे का क्या फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक की टीम का महकमा आबपाशी पंजाब का दौरा, आबपाशी निज़ाम की बेहतरी का मौजूदा मनसूबे के खदोखाल के पर जो है बाहमी गुफ्तगु की गई। मौजूदा मनसूबे के तहत पंजाब में मुंतखब नहरों की बेहतरी और ज़ेर ज़मीन पानी के मौसर इस्तेमाल पर काम किया जाएगा और महकमा आबपाशी की तरफ से चीफ SPRU आमिर खान, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल खुरम अमीन, चीफ PMO किनाल रजा अब्बासी और चीफ PMO बिराजिज इजाजुल हसन काशिफ की शिरकत की गई। वर्ल्ड बैंक की टीम लीडर फ्रांस की मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। आबपाशी निज़ाम को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाने की बात की गई। महकमा वर्ल्ड बैंक की टीम ने महकमा आबपाशी के अफसरान के काम को भी सराहा और काम में मजीद बेहतरी लाने की तजवीज़ दी। जी उस्मान, आपका बेहद शुक्रिया। यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर मदनियात पंजाब लतीफ़ नज़र की सेक्रेटरी मदनियात के दफ्तर आमद। सेक्रेटरी मदनियात असदुल्ला फैज़ ने वज़ीर मदनियात का इस्तकबाल किया। वज़ीर मदनियात ने आला सतह इजलास की सदारत की। एडिशनल सेक्रेटरी मदनियात सारा रशीद की शिरकत, डायरेक्टर जनरल माइंसा जफर जावेद भी इजलास में शरीक हुई। सेक्रेटरी मदनियात असदुल्ला फैज़ ने वज़ीर मदनियात को महकमाना उमूर पर ब्रीफिंग दी।
सेक्रेटरी मदनियात ने वजीर मदनियात को इदारे के मसाइल बारे तफसीली आगाही दी। वजीर मदनियात को महकमे को दरपेश चैलेंजेस और रेवेन्यू के अहदाफ बारे भी ब्रीफ किया गया। वजीर मदनियात को जीनियोट में जारी मनसूबों की मौजूदा सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी गई। महकमे के आइंदा आने वाले मनसूबे भी जेर गौर आए। कानको और इनके अहल खाना की फलाह के लिए मजीद मनसूबे शुरू करने की हिदायत दी गई है। दौरान कानकनी के हादसा से बचाव के लिए इकदाम तेज़ करने की हिदायत दी है। दूर अफ्तादा इलाकों में कानकनों को सेहत तालीम की जदीद सहूलियात में मजीद इजाफा करने का हुक्म दिया गया। वीमेन इन माइनिंग के तहत कानकनी में खवातीन की ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी के अज़म का इजहार। खानों की लेस के अमल को मजीद शफाफ और डिजिटलाइज के अमल को तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर मादनियात की जारी मनसूबों को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर मादनियात ने महकमे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और महकमे की कारकर्दगी को सराहा। मुल्क भर में होने वाली बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। हालिया बारिशों और रेलों से मुख्तलिफ जगहों में रेलवे ट्रैक मुतासिर, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बख्तियाराबाद और डोंकी के दरमियान सैलाबी रेले की वजह से रेलवे ट्रैक जेरियाब। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर राना इशफाक अहमद से। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में हालिया और मौजूदा बारिशों के बायस मुख्तलिफ जगहों पर रेलवे ट्रैक सैलाबी रेलों की लपेट में है। इसी तरह बख्ताबराबाद और डोंकी के दरमियान जो है सैलाबी रेले के बायस जो है रेलवे ट्रैक जेरे आब आ गया है, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो मुअत्तल होकर रहेगी। जबकि बुलान मेल 3 अब जैकबाबाद में जो है वो खड़ी हो गई। कोयटा जाने वाले मुसाफरों को जो है बाय रोड से भी लाया गया और कई ट्रेनों को जो है वो मैं बताता चलूं कि कैंसिल किया जा रहा है। इसी तरह जो है जैकबाबाद में जो है बुलान मेल 3 अब को जो है वो कैंसिल किया गया है। इसी तरह जो है दूसरी जानब जो है दूसरी जो ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। उसके दोनों ट्रेनों के मुसाफरों को बाय रोड जो है सिबी लाया जा रहा है और ये वहां से कोटा रवाना किया जाएगा, वहां से मुसाफरों को जो है वो लाहौर रवाना किया जाएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान रेलवे का ट्रैक जो है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सूबों में जो है मुतासरी का शिकार है, जिसके बायस जो है मुसाफरों को सख्त मुश्किल का सामना पड़ रहा है। राना इशफाक, आपका बेहद शुक्रिया। डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा शहर में इंसदाद डेंगू व सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। डीसी लाहौर का UC80 सांदा के इलाके का दौरा, डेंगू इंतजाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदनान रशीद और दीगर भी हमरा थे। इनडोर और आउटडोर डेंगू सर्वेलेंस का मुआयना भी किया। वर्कर्स से डेंगू सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरान चेकिंग एक मकाम से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, मौका पर तलफ कराया गया। डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा की निगरानी में डेंगू सर्वे भी किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 डेंगू मरीजों की निशानदेही हुई। डीसी लाहौर का कहना था कि 435 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, 262 नोटिस जारी किए गए। रवां साल मजमूई तौर पर 2225 FIR का इंदराज करवाया गया। वर्कर्स को डेंगू सरगर्मियां मजीद तेज़ करने और मरबूत अंदाज में चलाने की हिदायत की गई। अवाम उन्नास में डेंगू आगाही को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। शहर में होने वाली बारिशों के पेश नज़र डेंगू के मामले में हरगिज कोताही का मुजाहरा न करें। डीसी लाहौर ने मासूमाना इम्पोर्टेड अशिया के म्यार में गड़बड़, पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। निश्तर टाउन में मारूफ सुपर स्टोर पर छापा, दरामदी अशिया का रिकॉर्ड मौजूद न होने पर स्टोर की सेल बंद कर दी गई। आपको बताएं कि इम्पोर्टेड अशिया के म्यार में गड़बड़, पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। निश्तर टाउन में मारूफ सुपर स्टोर पर छापा, दरामदी अशिया का रिकॉर्ड मौजूद न होने पर स्टोर की सेल बंद कर दी गई है।
आपको बताएं कि इम्पोर्टेड अशिया के मयार में गड़बड़ हो गई, पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेड अशिया के मयार में गड़बड़, पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। मिस्टर टाउन में मारूफ सुपर स्टोर पर छापा मारकर दरामदी अशिया का रिकॉर्ड मौजूद न होने पर स्टोर की सील बंद कर दी गई। दरामदी अशिया पंजाब फूड अथॉरिटी से रजिस्टर न करवाने पर कार्रवाई की गई। कवानीन के बरखिलाफ 14 गैर मुल्की मसनूआत के लेबल और रजिस्ट्रेशन न होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक तमाम प्रोडक्ट्स के लेबल और रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम है। बगैर मंजूर शुदा लेबल और रजिस्ट्रेशन कोई भी प्रोडक्ट फ्रोज करने की हरगिज इजाजत नहीं है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुआब खान जतून का कहना है कि आवाम से गुजारिश है कि अशिया को दोनों खरीदने से कबल लेबल पर दर्ज तहरीर लाजमी पड़े। जी सलमान शाह, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर मदनियात पंजाब लतीफ़ नज़र की सेक्रेटरी मदनियात के दफ्तर आमद। सेक्रेटरी मदनियात असदुल्ला फैज ने वज़ीर मदनियात का इस्तकबाल किया। वज़ीर मदनियात ने आला सतह इजलास की सदारत की। एडिशनल सेक्रेटरी मदनियात सारा रशीद की शिरकत, डायरेक्टर जनरल मायजा जफर जावेद भी इजलास में शरीक हुई। सेक्रेटरी मदनियात असदुल्ला फैज ने वज़ीर मदनियात को महकमाना उमूर पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी मदनियात ने वज़ीर मदनियात को इदारे के मसाइल बारे तफसीली आगाही दी। वज़ीर मदनियात को महकमे को दरपेश चैलेंजेस और रेवेन्यू बारे अहदाफ के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर मदनियात को चिनोट में जारी मंसूबों की मौजूदा सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी गई। महकमे के आइंदा आने वाले मंसूबे भी ज़ेर गौर आए। कानकुनों और उनके अहल खाना की फलाह के लिए मजीद मंसूबे शुरू करने की हिदायत दी। दौरान कानकनी हादसा से बचाव के लिए इकदाम तेज़ करने की हिदायत। दूर उफ्तादा इलाकों में कानकुनों को सेहत और तालीम की सहूलियात में मजीद इजाफा करने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान की सरबराही में इमरजेंसी ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम्स का जायजा। इजलास में डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर हारून जहांगीर, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिम अल्ताफ, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर यूनिस समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की इजलास में शिरकत। डॉक्टर अख्तर रशीद ने ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जबकि डॉक्टर खलील ने IRMNCH प्रोग्रामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। महकमा सेहत के ज़ेर इंतजाम तमाम डिस्पेंसरीज PHUs और RHEs को सीनियर अपग्रेड करने के लिए भरपूर वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी महकमा सेहत अली जान खान ने कहा कि अद्वियात आलात और माँ बच्चा की सेहत की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। इन हेल्थ फैसिलिटीज़ में मरीजों को फराहम करदा सहूलियात का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मुरतब किया जा रहा है। आज़ादी एक नेमत है और हर इंसान आज़ादी मांगता है। पंजाब के सिखों ने इंडिया के पंजाब पर गासबाना कब्जे के खिलाफ इंडिया के यौम आज़ादी को यौम सिया के तौर पर मनाया। इस मौके पर सिखों का कहना था कि पंजाब सिखों का और इंडिया पंजाब पर गैर कानूनी तरीके से काबिज़ है। जो मुल्क कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर रियासती गुंडागर्दी हो और पंजाब के सिखों की हक तलफियाँ करता हो और सिखों को अपने नहीं किसी और मुल्क की आवाम समझता हो, इसका यौम किसी यौम सिया से कम नहीं। उन्होंने कहा कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो इंसानियत की वजह से ख़तरा है, अपने मकारियों की वजह से किसी भी पर भी अतमाद के लायक नहीं। सिख इंडिया के पंजाब पर गासबाना कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद करते रहेंगे और पंजाबियों के लिए अलहदा मुल्क बनाकर रहेंगे। भारत की यौम आज़ादी पर आज मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन, कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया में भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत की यौम आज़ादी पर यौम सिया मना रहे हैं। रैलियां और मुजाहरे निकाले गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत की यौम आज़ादी के मौका पर आज दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ निकालेंगे। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम ने कहा कि नैदरलैंड से क्रिकेट सीरीज़ इस खत्े में क्रिकेट के फ़रोग का सबब बनेगी। बाबर आजम ने नैदरलैंड में वनडे सीरीज़ से मुतालिक कहा कि नैदरलैंड क्रिकेट टीम को 2 माह से फॉलो कर रहे हैं जबकि मैं इनके क्रिकेट से बहुत मुतासर हुआ हूँ। नैदरलैंड में बसने वाले लोगों की क्रिकेट से मोहब्बत से मुतासर हुए। इब्तदाई 2 मैच में शाहीन शाह आफरीदी की अदम मौजूदगी से मुतालिक कप्तान का कहना था
कि अहम बॉलर्स की गैर मौजूदगी में नौजवान खिलाड़ियों के लिए ये मौका है कि वो आगे आएं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स के सेलुलर मेडलिस्ट इनाम भट्ट का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक गेम्स में शिरकत करने वाले एथलेटिक्स पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए। शजर अब्बास भी वतन वापस आ गए। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आसिफ जमान ने खिलाड़ियों का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। वतन वापसी पर कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल करने वाले एथलीट्स पर फूल नसावर किए गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कोहिनूर न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।